Well, hello everyone, welcome to the Star Education to learn the all concepts of science. Myself Brijesh Dubey और हम study कर रहे हैं NCERT syllabus से class 10 से chapter number 10 that is light reflection and refraction. So जैसे कि ये chapter का तीसरा part है, already इसके जो दो lecture हैं वो upload हो चुके हैं. अगर जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं तो playlist में जाकर के आप वहां से जिसके दो part हैं वो देख सकते हैं. Second thing कि आपको link उसके description में भी मिल जाएगी, तो आप description में जाकर के लिंक ओपन करके वहां से भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है और हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थोड़ा सा देख लें कि प्रीवियस वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था. तो उस लेक्चर के अंदर में हमने देखा था प्लेन मिरर, ठीक है, उसकी इमेज किस तरीके से होती है वो. उसके बाद में दो तरीके के मिरर देखे थे, स्पेरिकल मिरर के दो टाइप देखे थे. कौन कौन से थे वो? तो वो थे एक कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स. ठीक है, उनके थ्रू किस तरीके से इमेजेस होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने स्टडी की थी. तो यहाँ पर अभी हम स्टडी करने वाले हैं कॉनकेव मिरर. ओके, कॉनकेव मिरर से कुछ रूल्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि उसके ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो किस तरीके से बिहेव करती है, वो कहाँ से बैक होती है, किस तरीके से, तो वही हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. ठीक है, ये पूरा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से अपनी नोट्स जो है वो परफेक्टली बना सके. ठीक है, इसीलिए पूरा ये सब इतना अच्छे से लिख उप करके रेडी रखता हूँ. चलो, सो फर्स्ट रूल है हमारा, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल में है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से पास होगी, तो उसके प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी या फिर फोकस में से. अगर नाम आपको लंबा लग रहा है तो आप उसको जस्ट फोकस कह सकते हैं. ठीक है, दूसरा यहां पर मिरर कौन सा लिया हुआ है हमने, तो कॉनकेव मिरर लिया हुआ. कैसे पता चलेगा किसकी यहां पर आउटर जो सरफेस है बाहर वाले, ठीक है, गोले वाली बाहर वाली, ये अंदर वाली है और ये बाहर वाली, तो ये कैसी है, यहाँ पर इस तरीके से लाइंस खींची हुई है, इससे पता चलता है कि बाहर सिल्वर कोटिंग की हुई है और अंदर की रिफ्लेक्टिव है. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कलरफुल मैंने बना भी रखा है, अच्छे से कलरफुल लाइट आ रही है. यहाँ पर जाएगी, इंसिडेंट होगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के एफ यानी फोकस में से वो क्या होगी, पास होगी. ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा कि जब एक्सिस जो है उसके पैरेलल लाइट रह जाएगी तब. ठीक है ना, दूसरा रूल देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे है जब वो पॉल पी के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, पी के ऊपर में इंसिडेंट होगी तब वो वहां से रिफ्लेक्ट होगी बैक साइड पे. अब यहां पर देखने वाली ये बात है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर इसको जो ये एक्सिस है ना, इसको हम एक नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, नॉर्मल. सो ये हमने देखा था मिरर में, प्लेन मिरर के अंदर में, ठीक है, और दूसरा देखा था लॉ ऑफ किसके अंदर में, रिफ्लेक्शन के अंदर में. ठीक है, कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, कि इसे हम क्या मान सकते हैं, नॉर्मल. तब यहां पर जो इंसिडेंट रे है उससे जो एंगल बनेगा और यहां का एंगल बनेगा वो कैसा होगा, एकदम सेम होगा. ओके, तो इसे किस तरह समझेंगे, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल. ओके, जैसे कि मैंने कहा यहां पर इक्वल एंगल वो बनाएगी, क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम क्या मान के चलेंगे, यहां पर नॉर्मल मान के चलेंगे. ठीक है, नाउ थर्ड रूल देखते हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है भाई. तो थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे अगर वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस में से मिरर के किसी भी, ठीक है, मिरर के किसी भी पॉइंट के ऊपर में या उसके फेस पर कहीं पर भी इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसके पैरेलल जाएगी. किसके पैरेलल जाएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे हैं, अपोजिट ही हैं. यहां पैरेलल जा रही है तो एफ में से पास हो रही है, यहां एफ में से जा रही है तो पैरेलल उसके निकल रही है. ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एकदम
लर्न करने में आसानी हो जाएगी समझने में। दूसरा यहाँ पर तो है भाई, अगर बी पर इंसिडेंट हो रही है तो एंगल दोनों कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, नाउ फोर्थ रूल देखते हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज अ नॉर्मली इंसिडेंट रे। सो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है और मिरर पर कोई भी पॉइंट के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो सेम उसी डायरेक्शन में उसी पाथ पर सीधा वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर एरो से बताया हुआ है, ये इंसिडेंट रे है और ये यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, किसी भी एंगल के ऊपर में, ठीक है। सो ये जो है ये कुछ उसके चार बेसिक रूल्स हैं जिसे एकदम दिमाग में फिट करना है, ठीक है, फिगर के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। एक बार फिगर देखोगे समझोगे, ठीक है, डेफिनेशन इसकी जो स्टडी करोगे, ऐसे डेफिनेशन नहीं कह सकते इसको हम, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, तो आपको माइंड में एकदम से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमको क्यों लर्न करना है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा अभी हम इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो रे डायग्राम, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी हम रे डायग्राम लर्न करने वाले हैं कि अलग अलग प्लेसेस पर जब ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं तो उसके थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के थ्रू वो किस तरीके से होती है, ठीक है। सुना, यहां पर हम पहले देखो, आप पहले मैं बता दूं कि हम इसके अंदर में कितने वो लर्न करने वाले हैं। तो एक तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा तब, दूसरा जब होगा कि सी से थोड़ा दूर होगा, बाय अंडर सी होगा, ठीक है, यहां पर, थर्ड जब सी के ऊपर होगा एंड उसके बाद में सी एंड एफ के बीच में होगा और उसके बाद में एफ के बीच में एंड आफ्टर दैट एफ एंड पी के बीच में होगा। तो इतने रे डायग्राम जो है हमको लर्न करना है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे होगा, बहुत बहुत दूर होगा, काफी दूर होगा, किससे, मिरर से, ठीक है, तो इमेज किस तरीके से फॉर्म होगी। सो यहां पर बी जो है वो बी पॉइंट बता रहा है कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बताना जरूरी है ना। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, पैरेलल रेज फॉर्म ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से कई बहुत दूरी से पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो क्या होगी कि एक रे जो है ना उसमें से एक दो तीन चार पांच ऐसे नहीं आती है, लेकिन उसे हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। सो वहां से पैरेलल रे जो आ रही है, ठीक है, उसकी पूरी होती है ना, एक होती है उसके ऊपर, ठीक है, टॉप की एक बॉटम की, तो दो रेज होगी ना, एक वहां वाली और एक यहां वाली, उसी से बनेगी इमेज। तो एक आएगी पी पॉल के ऊपर में, ठीक है, वो वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब इन दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, सेम होगा। चलो दूसरी जो रे आ रही है वो कहां से आएगी, तो वो वहां किसी भी उसके पॉइंट पर इंसिडेंस होगी और वो वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी और ये रे भी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगे, इस तरीके से मर्ज होंगे एक दूसरे के साथ में। और हमें पता है जब दो रेस एक दूसरे से मर्ज होती है तो क्या होता है, इमेज बनती है। सो यहां पर इमेज कहां बनेगी, एफ के पास में, ठीक है, एफ हमारा क्या है, फोकस है, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ फोकस है। नाउ यहां पर ये जो डॉट लाइन दिख रही है, ये डॉट लाइन, ये जो रे है ना, ये रे तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे है, या ऐसा कहूं कि जो एंगल बन रहा है ना, इसका बाइसेक्टर है। यहां पर ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है ही, ठीक है। सो इमेज हमारी कहां बन रही है, एफ के ऊपर। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लें कि इमेज जो बनेगी वो किस तरीके से बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो इमेज पोजिशन क्या होगी इमेज की, तो एट एफ, कहां पर मिलेगी हमको, एफ के पास में मिलेगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और कैसी होगी, उल्टी, ठीक है, ऐसे
ये सीधा है, ये कैसी है उल्टी, इस तरीके से मिलेगी। अगर मैं मार्कर ऐसे प्लेस करूंगा तो जो इमेज मेरे मुझे यहां मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ठीक है। नाउ साइज कैसे होगी, तो पॉइंट साइज और हाई डायमिनिस्ट। पॉइंट साइज होगी एक डॉट के साइज की इमेज, या डायमिनिस्ट यानी बहुत ही ज्यादा छोटी, ठीक है। तो ये हो गया उसका रे डायग्राम और ये है उसका नेचर, एग्जाम में आता है, ठीक है, एकाध तो आए नहीं। सेकंड नंबर देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे होगा, सी से थोड़ा दूर पर होगा, तो किस तरीके से उसमें इमेज फॉर्म होगी वो देखते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये फोकल फोकस है हमारा, और ये पी है, ठीक है। सो यहां पर, अरे भाई एक चीज तो यहां पर लिखा ही नहीं है ना, एम और एन इनके इसके फेस भी बता दो ना। हाँ चलो, अब इसका फेस भी आ गया, पहले फेस नहीं था, गायब हो गया था, चलो फेस आ गया है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी से थोड़ा पीछे, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी ए भी हाइट भी है, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ये तो पी पॉइंट है ही, और ये ई पॉइंट है, ठीक है। अब इसे समझते हैं, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन जो रे है वो पैरेलल जा रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, यहां से इस तरीके से। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रे, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कहां से निकलेगी, वो एफ में से निकलेगी, ठीक है। दूसरी रे जो है वो यहां से जाएगी, किसमें से पास होगी वो, तो सी में से पास होगी। और अभी ये भी हमने देखा, जब सी में से लाइट रे पास होगी तो उसी पाथ पर वो फिर से कहां जाएगी, बैक जाएगी। सो ये यहां से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है ई पॉइंट पर, और यही से वापस बैक जा रही है, और ये जो यहां ए के पास यहां निकल रही है, डी पर इंसिडेंट हो रही है, और क्या हो रहा है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर एफ के पास आ रही है, और दोनों लाइट जहां पर एक दूसरे से मर्ज हो रही है, इस तरीके से मीट कर रही है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, तो वहां पर हमको इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज देख सकते हैं यहां पर बिडेस और एडेस है, एडेस बिडेस बिडेस एडेस, ठीक है। तो अब इमेज की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, ये डॉट डॉट डॉट, वो क्या है, तो वो नॉर्मल है। ये क्या है, आई है, और ये आर है, बताने की जरूरत है क्या है, आई नो सभी स्मार्ट हो। सो इमेज, इमेज इसकी किस तरीके से होगी उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पोजिशन, पोजिशन कहा होगी, बिटवीन एफ एंड सी, तो यहां पर देख सकते हैं ना, ये एफ है और ये सी, इसके बीच में मिल रही है, बिटवीन एफ एंड सी। नेचर, नेचर कैसा होगा, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। और दूसरा, साइज कैसी होगी, तो डायमिनिस्ट होगी, डायमिनिस्ट यानी छोटी होगी, यहां बहुत छोटी थी, यहां छोटी होगी, ठीक है। चलो, अब यहां पर रियल इमेज हमने देखा था, है ना, कि जो ग्लास सॉरी प्लेन मिरर था हमारा, ठीक है, जो प्लेन मिरर था हमारा, वो उसके अंदर से जो हमको इमेज मिलती थी वो कैसी रहती थी, ठीक है, वर्चुअल इमेज मिलती थी ना वहां पर। यहां पर हमने रियल इमेज की बात की है, तो ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको पहले बता दिया है कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसके थ्रू जो हमको इमेज मिलती है वो इमेज कैसी होती है, तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। नाउ, तो ये हो गए दो, इसके बाद अभी हमें और चार स्टडी करने हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी लिखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर में प्लेस किया जाएगा तो किस तरीके से उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर पहले समझ लेते हैं कि सब जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ है, तो पॉल यहां पर है इसका, और ये जो एफ है उसका फोकस पॉइंट है, ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, ठीक है। ना ऑब्जेक्ट यहाँ सी के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ऊपर की तरफ ए और बी जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अभी से समझते हैं, यहां से ओके एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो रे है, ठीक है, ओके इससे मैंने लाइन से बनाया हुआ है, यहां से जा रही है कहां पर,
ये डी पॉइंट के ऊपर में वो इंसिडेंट हो रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, तो वहां से जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया या इंसिडेंट एंगल हो गया। नाउ अब हमने ये भी देखा था अभी रूल्स के अंदर में कि अगर ये जो लाइट रे है अगर ये पैरेलल होगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगी कि वो एफ में से पास होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां पर कहां से पास हो रही है तो एफ में से, ठीक है। अच्छा ये समझा, अब दूसरी रे को समझते हैं। इसे मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है। दूसरी रे यहां से निकल रही है, ओके यहां से, अब ये कहां हो रही है इंसिडेंट, ये ई पॉइंट के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है। नाउ पास कहां से हुई, एफ में से पास हुई। ये भी रूल में देखा था कि जब एफ में से वो पास होती है, ठीक है, लाइट रे, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, तो ये यहां से आई पास हुई और ये यहां से पास होकर इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये दोनों रेज जो आ रही हैं वो तो एक दूसरे को यहां इस पॉइंट के ऊपर में एक दूसरे को मर्ज करेंगी, मर्ज होंगे एक दूसरे से, मिलेंगी या मीट होंगी, तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ओके सो ऑब्जेक्ट ये रहा और हमारी इमेज ये रही, ठीक है। नाउ सो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इमेज बनी तो लेकिन किस तरह की इमेज है उसको देखते हैं। तो पोजिशन ऑफ इमेज देख लेते हैं, पोजिशन ऑफ इमेज एट सी कहां पर मिल रही है, वो सी के पास ही मिल रही है ना, देखो ना इधर ना उधर, एग्जैक्ट सी के पास ही मिल रही है। नेचर ऑफ इमेज देखें तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी होगी इमेज, रियल होगी और इन्वर्टेड, ये सब में कॉमन आएगा, नेचर उसका सब में कॉमन आएगा, ठीक है। पोजिशन और साइज ही चेंज होगी, साइज कैसी है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज जो है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहता है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, तो जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ सॉरी प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में रखा जाएगा तब, तो यहां पर देख लेते हैं कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहां पर है, यहां पर भी तो यह रहा पॉल, ठीक है, ये एफ है और ये सी है ना, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दैट इज ए बी, ठीक है। अब ए बी रखा हुआ है, उसकी लाइट रेज जो है वो कैसे जा रही है, तो एक लाइट रेज जो है वो पैरेलल जा रही है, भाई जब पैरेलल जाती है तो क्या होती है, वो एफ में से क्या होती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है, यानी जब रिफ्लेक्ट होगी तो एफ में से पास होगी ना। दूसरी जो है वो यहां पर जा रही है, ठीक है, और वहीं से वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है, अब वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हो रही है, सी में से पास हो रही है, ठीक है, सी में से पास हो रही है, और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद में यहां पर इस पॉइंट के ऊपर में एक दूसरे को मर्ज कर रही है, ठीक है। सो यहां पर हमारे इमेज बन रही है दैट इज ए डेस बी डेस, ठीक है। अब इस तरीके से जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो इमेज दैट इज पोजिशन कहां मिलेगी, तो बायोन सी, सी से पीछे, अब सी में से ही पास हो रहा है ना, तो सी पर तो मिलेगी नहीं, ठीक है, सी से पीछे ही मिलेगी। नेचर, नेचर सब में यही आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। साइज देखें तो इनलार्ज्ड, यानी जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ही बड़ी साइज का मिलेगा। अब अगर यहां पर हम बात करें ऑब्जेक्ट जो है वो 2 फुट का है, ठीक है, तो यहां पर कितने फुट का मिलेगा, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से वो बड़ा मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर हमने 4 प्रॉपर्टीज इसकी देखी, ठीक है, उसके रूल्स देखे किस तरीके से उसमें से इमेज फॉर्म हो रही है वो। ओके अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे 2 जो बाकी हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो उसके लास्ट 2 जो टाइप बचे हुए हैं वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनता है, दूसरे जो लास्ट 2 हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर, कहां पर, प्रिंसिपल ऑफ फोकस के ऊपर जब उसको प्लेस किया जाएगा तब किस तरीके से उसका रे डायग्राम बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर उसका पॉल है पी, ओके, प्रिंसिपल फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है यहां पर। नाउ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर ए बी, ठीक है ना, ए बी यहां पर रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहां से, ठीक है, एक रे जो है ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर से वापस वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां पर आ रही है, वो
सी में से पास हो रही है, ठीक है, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ दूसरी एक यहां से इंसिडेंट रे जा रही है, वो डी के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कहां से पास हो रही है, एफ में से पास हो रही है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज कहां मिलेगी हमको, बहुत ही दूर मिलेगी, ठीक है, इमेज एक इंफिनिटी इमेज कहां मिलेगी, बहुत ही ज्यादा दूर मिलेगी हमको। नाउ यहां पर ये जो डॉट लाइन से बनाया हुआ है वो क्या है, हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पर चुटकू सा मैंने उसके इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल भी बना दिए हैं। नाउ ये जो वाली रे है उसको जहां पर वो इंसिडेंट हो रही है उसे हमने ई नाम दिया है, उसे डी नाम दिया है, बाकी एम और एन तो है ही, ठीक है, उसके फेसेस। नाउ अब इससे इमेज जो बन रही है उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी इमेज होती है वो देखते हैं। सो पोजिशन उसकी देखें तो एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी मिलेगी। नेचर देखें तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड मिलेगी हमको इमेज यहां पर। नाउ साइज कैसी होगी उसकी, तो साइज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही ज्यादा बड़ी साइज होगी उसकी, जब इस तरह से होगी, जब कहां रखेंगे, जब एफ के ऊपर रखेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, ये वाला लास्ट है। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तब, तो उसके द्वारा उसकी इमेज किस तरीके से बनती है वो देखते हैं। नाउ यहां पर देख सकते हैं कि अब पी है यहां पर, एफ है यहां पर और सी है यहां पर, ठीक है। नाउ एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एबी, एबी उसकी हाइट भी है, ये भी कह सकते हैं हम। नाउ एक रे है जो यहां से पास हो रही है, ठीक है, कहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है भाई, ये वाली जो रे है वो यहां से पास हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी कहां होगी, इधर ही होगी, रिफ्लेक्शन वाला इधर बता देते भाई, ऐसे जगह थोड़ी है, बहुत ही कम जगह है, इस तरीके से। नाउ दूसरी जो है वो कहां से पास हो रही है रे, वो यहां से ऐसे जा रही है और वापस यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये वाली जो रे है उसको ई नाम दिया हुआ है और इसको दूसरी वाली को, ये तो ओ जैसा दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी है, हाँ अभी बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो डी है। अब यहां से ये दोनों जो रे जाएंगी तो यहां पर एक दूसरे को मर्ज करेंगी, जब एक दूसरे से मर्ज होंगी, मर्ज करेंगी तो क्या होगा, वहां पर इमेज बनेगी, ठीक है ना। यहां पर देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश जो है वो इमेज है हमारी, और देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा वो हाइटेड है, बड़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख लें कि इमेज जो है कैसी बनेगी। सो पोजिशन कहां होगी, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मतलब मिरर के पीछे नहीं होगी, मिरर के अंदर ही बैक साइड में, जैसे प्लेन मिरर में देखा था ना, हाँ वैसे ही कहां मिलेगी, बैक साइड में। नाउ नेचर, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी होगी, कैसा होगा उसका नेचर, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। सभी में हमने देखा कि सभी के अंदर में जो उसकी इमेज थी वो कैसी थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। यहां पर क्या होगा, हमको यहां पर उसकी जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल मिल रही है और इरेक्ट मिल रही है। ऐसा किस में होता है, तो ऐसा प्लेन मिरर के अंदर में ही होता है, ठीक है। साइज कैसी होगी, तो इनलार्ज्ड, यानी कि जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां पर जो इसके इमेज फॉर्मेशन होता है, रे डायग्राम होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का, वो यहां पर पूरा होता है। इसके बाद हम कॉन्वेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसमें स्टडी क्या किया, एक बार वो देख लेते, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो हमने यहाँ पर रे डायग्राम देखे, रे डायग्राम पहले कहां पर था, तो पहले सी से काफी दूर था, बहुत दूर था, इंफिनिटी पर था। उसके बाद में सी से पीछे रखा ऑब्जेक्ट को, वो देखा, फिर एक बार सी के ऊपर रख के देखा, बिटवीन सी एंड एफ देखा, एफ पर देखा, और लास्ट में जो भी हमने देखा वो कहां देखा, तो पी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज ही अगर इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी होगा। दूसरा, ये जो नेचर है, नेचर सब में एक जैसा है, बस लास्ट वाले में कैसा है, थोड़ा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो लर्न करने में आई थिंक ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बी पॉजिटिव, ठीक है, आपको इसको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर में वर्ल्ड में इसके अंदर से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और अगर आप कहीं दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन वगैरह जो है निकल कर
के आते हैं। ठीक है, सो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो मैं फिर से कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहां से नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए तो ये है कि आपको यहां पर बैठे बैठाए पूरा का पूरा जो है मटेरियल आपको मिल जा रहा है। ठीक है, आप स्टडी भी कर ले रहे हैं और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको रिमेम्बर रखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।